शिलुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा। नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। नगर निगम का माई बाप कौन, कंसल्टेंट इंजीनियरों ने सवाल उठाए। MIC के आदेश के बाद नहीं हुई जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई। ये इंजीनियर दूसरों के मकान बनाते हैं, उसके खर्च से जो भी उनको मिलता है अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। नगर निगम हमेशा ही विवादित रहता है। विवाद और नगर निगम में चोली दामन का साथ हो सकता है। मकान बनाने वालों का संगठन इंजीनियरों का समूह कंसल्टेंट एजेंसी ने आज बकायदा पत्रकार वार्ता करके नगर निगम के पाक दामन पर भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगाए जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दूसरों के मकान बनाने वाले इंजीनियरों ने क्या कुछ कहा, हम आपको सिलसिलेवार ढंग से सुनाएंगे। उनका कहना था, प्राइवेट इंजीनियर का समूह कहता है 105 वर्ग मीटर के एरिया में मकान बनाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। 300 वर्ग मीटर तक मकान बनाने का फैसला 10 साल का अनुभव रखने वाला इंजीनियर कर सकता है, लेकिन नगर निगम ने आज तक एक भी मंजूरी नहीं दी। किस तरीके से मंजूरी देते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उन्होंने बताया। जोन 3 के उदाहरण देते हुए उनका कहना था, जोन 3 में 68 आवेदन मकान बनाने के दिए गए, अनुमति मिली केवल 4 को। ज्यादातर मामले अधोसंरचना का उठाकर रिजेक्ट कर दिए गए। उन्होंने एक मामले का जिक्र करते हुए कहा, किसको परमिशन दी गई, जिसके पास कोई भी नियम कानून नहीं। जोन 3 के वार्ड 15 के मामले को लेकर फाइल नंबर 304/23 को 7 मार्च को परमिशन दी गई। क्यों दी गई, इस बात की जवाब कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं रीवा के काफी हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान प्राइवेट इंजीनियरों के समूह ने किस तरीके से नगर निगम पर सवाल या निशान उठाए। साथियों, जैसा कि हमारा आज जो मुद्दा है तो हमारा नगर निगम को लेकर के है, नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर के है। आज हमें आपकी जरूरत पड़ी, हमें लोकतंत्र के आपके चौथे स्तंभ की जरूरत पड़ी। जिस तरीके का व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार नगर निगम में चल रहा है, तो समूचे पूरे कंसल्टेंट रीवा की आम जनता उससे काफ़ी प्रभावित है। जोन क्रमांक 3 में हमारे बिल्डिंग ऑफिसर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कुल मिला के जो उनकी कार्यकारिणी है, जितने अधिकारी जोन क्रमांक 3 में काम कर रहे हैं, वो एक भ्रष्टाचार को एक नया रूप दे रहे हैं। उनके पीछे हमने कितने आपके माध्यम से लोगों को अवगत कराया, हमारे आयुक्त महोदय को अवगत कराया, हमने महापौर जी को अवगत कराया। महापौर जी ने इस पर निर्णायक स्थिति पे निर्णय लेते हुए MIC की बैठक में इसको पारित किया, उनको हटाने का आदेश जारी करा, लेकिन आज दिनांक तक वो वहीं जमे डटे बैठे हुए हैं। इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत काम कर रही है कि आयुक्त महोदय सरेंडर है। आयुक्त महोदय कहती हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, तो किसके बस की बात है? नगर निगम के अधिकारी, अगर आपके बस की बात नहीं है तो किसके बस की बात है? नगर निगम के अधिकारी, हम किसके पास गुहार लगाने जाएंगे, किसको हम अपनी दुख की ये पीड़ा बताएंगे? जिस तरीके से गला काटने का खुलेआम काम नगर निगम जोन क्रमांक 3 में चल रहा है, उसकी सुनवाई कौन करेगा? और हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य, हम साक्ष के साथ बैठे हुए हैं आज, कोई हम लफड़बाजी करने नहीं बैठे हैं। हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं जिसमें ये साबित होता है कि दिलीप त्रिपाठी जैसे व्यक्ति नगर निगम में बैठकर खुलेआम जनता का गला काट रहे हैं। 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, खाली प्लाटों में 10,000 रुपये, ये कौन कहां से लाके देगा? ये गरीब जनता कहां से लाके देगी? उनको हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप परमिशन लो, कंसल्टेंट हमारे सभी प्रोत्साहित करते हैं कि आप परमिशन लो। उसके बाद क्या उनकी दशा होती है नगर निगम में? सिस्टम चालू होता है बाबू से 2,000, बिल्डिंग इंस्पेक्टर से 5,000, BO को 10,000, SE को 15,000। ये क्या तरीका है? ये कैसे नगर निगम का संचालन अधिकारी करेंगे? ये नगर निगम खुलेआम एक लूट का अड्डा बन गया है, कंसल्टेंटों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है।
कि आप पैसे की का पैसा लेकर के हमको हमारे कहीं पर्स में डाल दो, कहीं हमारे गाड़ी की डिक्की में डाल दो, कहीं हमारे गाड़ी के हमारे चार चक्का के पीछे टायर के नीचे दबा दो, इस तरह से काम चलेगा क्या? हम अपने प्रिंट मीडिया हम मजबूती से आप लोग आगे रखो ताकि इनके इनकी जो चमड़ी है वो काफ़ी मोटी हो चुकी है, रिटायरमेंट की कगार में है। कोई कहता है कि लंबी मोटी रकम देकर आके बैठे हैं, तो भैया वो तो साल भर लूटेंगे ही, तो हम उनको लूटने नहीं देंगे, हम अपने रीवा की जनता को लूटने नहीं देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनका जो रवैया रहेगा अगर इसी तरह से वो काम करते रहेंगे और उनको अगले महीने के मतलब हफ्ते भर के भीतर अगर उनको नहीं हटाया जाता, अगर उनको बिल्डिंग परमिशन से पृथक नहीं किया जाता, तो जिस तरीके से हम सभी कंसल्टेंट अभी हम काम जोन क्रमांक 3 में पूरी तरीके से बंद कर रखे हैं, हम आगे भी बंद कर रखेंगे, क्योंकि हम अपना आत्मसम्मान नहीं बेचेंगे और हमारी रीवा की जनता का बेचने नहीं देंगे। यहाँ हमारे सर्वाधिक पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप सभी रीवा के नगर निगम में कहीं क्षेत्र में आप भी रहते हो, आप भी उसी से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम इस तरह का अत्याचार सहेंगे क्या? जिस तरीके से अनावश्यक दबाव बना रहे हैं ये लोग, तो हम इस दबाव को नहीं सहेंगे, जिसके तहत हम सब यहाँ आज एकत्रित हैं और हमारे कुछ साक्ष्य हैं जिसको आपके सामने हम प्रस्तुत भी करेंगे कि इनके जैसे घूसखोर मतलब चरम सीमा इन्होंने पार कर दी, नगर निगम की सारी हदी पार करके इनको सिर्फ पैसा चाहिए, इनको पैसे की हवस में इतना ये मदमस्त हो चुके हैं कि अब इनको अधोसंरचना चाहिए, रीवा में अभी अधोसंरचना खोज रहे हैं, जिस पैसे में अच्छा मालदार मिल जाता है पैकेट वहाँ अधोसंरचना गायब हो जाती है। कुछ प्रकरणों में ये परमिशन से अधिक नियमों को सारे नियमों को शिथिल करते हुए परमिशन 100% जारी करते हैं, तो वहाँ अधोसंरचना कहाँ चली जाती है, वहाँ आपका नियम कहाँ चला जाता है, वहाँ TNCP की अप्रूवल कहाँ चली जाती है, तो वहाँ तो सारे नियमों को शिथिल कर दिया गया। तो खुलेआम दिलीप त्रिपाठी जैसे लोग यहाँ बैठ करके रीवा में रीवा नगर निगम को पूरे नगर निगम को दूषित करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ साक्ष्य है, उसको आपके सामने मैं रखूंगा भी, मीडिया में ही भास्कर न्यूज़ में MIC की बैठक में इनको हटाने का निर्णय लिया गया और आज दिनांक तक ये वहीं विराजमान है और उसी एटीट्यूड में ये काम कर रहे हैं। दैनिक जागरण में ये निकला, ये न्यूज़ दैनिक जागरण की निकली और ये हमारे कुछ प्रकरण हैं जिसमें आप कुछ प्रकरण तो ऐसे भी हैं साथियों कि जिसमें सोचिए परमिशन जारी कर दी गई थी पूर्व में, उनको उनका समय सीमा बढ़ाने के लिए उन प्रकरणों को फिर से प्रस्तुत किया गया, उसके बाद भी ऐसे घूसखोर दिलीप त्रिपाठी जैसे लोग उसको लिख देते हैं अधोसंरचना का अभाव। मतलब नगर निगम खुद ही अपनी बातों पर पीछे हट रहा, खुद भी अपनी बातों पे पीछे हट रहा। एक बार तो परमिशन जारी करते हो, जब उसकी समय अवधि बढ़ाने के लिए बात की जाती है तो कहते हो अधोसंरचना का अभाव, तो ऐसे तो पूरा रीवा आप घोषित कर दो कि अवैध है, मत जारी करियो करो परमिशन। आप क्यों किसी गरीब को बेचारे को फंसा करके और नगर निगम का हवाला दे करके उसका विकास बता करके और यहाँ लूटने का काम कर रहे हो आप लोग? ये आपके कुछ हमारे सामने आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करूँगा मैं इसमें, और कुछ फाइलों में तो ये फाइले खेल रहे हैं। दिलीप त्रिपाठी बिल्डिंग परमिशन के सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनके हाथों से परमिशन जारी होना है, तो वो क्या करते हैं कि नीचे के अधिकारी जब उन तक फाइल भेजते हैं तो उसकी फाइलों को पुनः वो अपने अधिकारी पर लौटा देते हैं। अब इनका भाई अधिकारियों का भी कुछ लेन देन उनके साथ कुछ रहा होगा कि भैया तुम पूरा करो तब तो आगे बढ़ाऊँ मैं, तो मतलब साथ साथ रीवा की जनता हम कंसल्टेंट और इनके अधिकारियों से भी लेन देन मुझे लगता है बाकी है। अब कुछ तो कहते हैं दिलीप त्रिपाठी जी साथ 5 लाख रुपए देकर उस कुर्सी में डटे हैं, ऐसा सुनने की हमको आया है, जानकारी लोगों द्वारा हमको मिली है ऐसा कुछ। अब 5 लाख देकर ये 50 लाख कमाने का सपना देख रहे हैं, अगले साल ये रिटायरमेंट होने वाले हैं। अरे भैया जब तुमको साधु बनना है तो जाओ कहीं हिमालय चले जाओ, क्यों बैठ के यहाँ दुर्दशा कर रहे हो नगर निगम की, जब तुमको परमिशन ही जारी नहीं करना है। और सबसे आश्चर्यजनक बात साथियों, आज जब से इन्होंने पदभार संभाला है 60 दिनों का कार्यकाल हो चुका, 68 फाइलें लगी हैं, 68 फाइलों में केवल इन्होंने 4 फाइलें स्वीकृत की हैं, 4 फाइलें, सोचिए कितना गंभीर विषय है। और सारी फाइलों को एक एक दिन में बैठ करके 25-25 फाइलों का रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये निरस्त करने का, मतलब उनकी समाप्त करने का फाइलों का रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब ये दिन में बनाते हैं रिकॉर्ड की रात में बैठ के रिकॉर्ड बना रहे हैं, होश में बना रहे हैं कि बेहोशी में रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब कुछ फाइलों में जहां लिफाफा जा रहा तो उनको सारे नियमों को शिथिल करते हुए वो फाइलें अप्रूव की जा रही हैं। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक
दिलीप त्रिपाठी जैसे भ्रष्टाचारियों को, घूसखोर व्यक्ति को नगर निगम से जब MIC की बैठक में निर्णय हो चुका है तो आयुक्त महोदय से हमने आपको भी जानकारी है, हमने 5 तारीख को उनको आवेदन दिया, हमने ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना दिया, हमने 11 तारीख को भी उनको ज्ञापन के माध्यम से सूचना दिया, उसके बावजूद MIC की बैठक में निर्णय होने के बाद भी ये डटे हुए हैं कुर्सी में। ये लड़ाई हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश भूमि विकास अधिनियम में भवन अनुज्ञा अधिकारी कौन होगा इसकी पात्रता, अर्हता और योग्यता है। मैं यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के आपके बीच जा रहा हूँ कि दिलीप त्रिपाठी के पास वो शैक्षणिक योग्यता नहीं है कि वो भवन अधिकारी हो। इसकी भी अगर आप जांच करा लेंगे, प्रथम दृष्टया अगर आप इसकी जांच कराएं तो ये बात सिद्ध होती है कि वो बिल्डिंग ऑफिसर बनने की भी पात्रता नहीं रखते। इसलिए भी हमारी ये मुहिम है, अगर यहाँ पर उनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जो भवन अधिकारी हो सकता है तो आप उसे बनाइए, हम उस बात को स्वीकार करेंगे। कि नगर पालिक निगम रीवा में आज तक ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत 30 दिनों की समय सीमा क्रॉस होने के बाद आज तक कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं हुआ, क्या ऐसा संभव है कि सारे के सारे काम इनके द्वारा तय समय पे किए जाते हैं? अगर तय समय में नहीं हुए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा नक्शा है जो आपने 30 दिनों के बाद डीम्ड स्वीकृत किया है? और जैसा अभी आप पूछ रहे थे कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई क्यों शुरू हुई, मैं ये कहता हूँ भ्रष्टाचार की लड़ाई का आगाज कभी भी हो वो अच्छा है। भ्रष्ट आचरण जब दिखने लगे, भ्रष्टाचार जब समाज में परिलक्षित होने लगे, जब उसकी रूप बड़ा होने लगे तो उसका दमन, उसको ख़त्म करने की आवश्यकता इस समाज को होती है। और ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई रीवा के लोगों की लड़ाई है, उससे कंसल्टेंट बिरादरी उसका माध्यम है। इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी का हित प्रभावित हो रहा है तो रीवा की जनता का हो रहा है, और सबसे ज़्यादा राजस्व का नुकसान भी रीवा का ही हो रहा है। और आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार करना, आर्थिक भ्रष्टाचार करना। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।